हमने अपनी खबर के माध्यम से हमेशा से ही वेकोली बल्लारपुर में हो रहे कोयला चोरी की खबरें प्रमुखता से दिखाई है। किस तरह से यहाँ के अधिकारियों की नाक के नीचे से तस्कर कोयला उड़ा ले जाता है, जिसका राज आज बेनकाब हुआ है। हम आपके सामने वो राज खोले, उससे पहले हम आपको बता दें कि 20 दिसंबर को बल्लारपुर क्षेत्र के गौरी स्टॉक से कोयला चोरी होने की जानकारी हमारे संवाददाता के पास आई, जिसकी पुष्टि करने के लिए हमारे संवाददाता ने एरिया के सुरक्षा अधिकारी से फोन पर जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन पहली बार में तो यहाँ के सुरक्षा अधिकारी डी कृष्णन ने चोरी की वारदात को सिरे से खारिज कर दिया। सुनिए क्या कहते हैं सुरक्षा अधिकारी डी कृष्णन। हाँ नमस्कार भाई, बोलिए। सर कोई गाड़ी पकड़ी गई क्या अपने यहाँ? गाड़ी? हाँ हाँ, चोरी की जानकारी तो नहीं है यार। सर मेरे को भी जानकारी यही है कि कोई कोयला भर के जा रही कोई ट्रक में पकड़े है वहाँ गौरी में पकड़ा है जी। कब का केस है? आज अभी सवेरे का। अच्छा मैं पता करता हूँ। क्या शायद आपको आइडिया होंगी करके? नहीं नहीं, कोई जानकारी नहीं है, बात करता हूँ। चलो ठीक है सर, थोड़ा जानकारी निकाल लीजिए। ठीक है, क्या हुआ बताओ ना, अगर जानकारी है तो बताओ ना। हाँ कोई जानकारी है तो बताओ ना क्या हुआ। नहीं अब जानकारी बोले तो कोयला चोरी करके नहीं निकल रही थी गाड़ी यहाँ तक। कब? आज। अच्छा क्या मतलब रोड सेल वाला गाड़ी है कि इधर ट्रांसपोर्ट वाला? रोड सेल वाली है। आज सवेरे? हाँ सुबह, जहाँ तक आपके चौकीदार और पुलिस शायद वहाँ पहुँच गई है, गाड़ी उन्होंने पकड़े हैं जांच लोगों ने। अच्छा कहाँ पर है गाड़ी अभी? अब गाड़ी का सर एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बता पाऊँ, क्योंकि मैं भी दूसरे से ही जानकारी मुझे मिली है, तो उन्होंने मुझे बुला रहे अभी वहाँ की, यहाँ आ जाओ बोले वीडियो बनाने के लिए। अच्छा तो मैं वहाँ निकल रहा हूँ लगे तो मुझे लगा शायद आपको आइडिया होगा करके। नहीं नहीं कुछ खबर तो नहीं किया है कोई। चलो ठीक है सर, मैं और जानकारी लेता हूँ फिर लगा तो बताता हूँ इन्हें। वही आपके एरिया में बताया गया कि भाई गौरी एक्सपेंशन आपका ही एरिया है ना, गौरी एक्सपेंशन। गाड़ी का नंबर क्या है? सर नूरानी ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है गाड़ी में। नूरानी ट्रांसपोर्ट है, देखता हूँ पता करता हूँ। ठीक है। हमारे संवाददाता का फोन सुरक्षा अधिकारी के पास जाने के बाद बल्लारपुर वेकोली क्षेत्र के अधिकारियों को दस्त लग गई। आनन फानन में ही सही, लेकिन कोयला चोरी के संदर्भ में राजूरा पुलिस थाने में आखिरकार शिकायत दर्ज करवा दी गई, जिसकी जानकारी खुद बल्लारपुर एरिया के सुरक्षा अधिकारी डी कृष्णन इन्होंने दी। मालूम था जो रात में हमको 7:30 के बाद मालूम हुआ था, तो सुबह उसी को जाके हम लोग कर रहे थे। साहब को भी फोन आया तो मैं बोला सर हम उसी काम में हूँ। ये है कि वो बोले चोरी होके निकल गया बोले, तो मैं सोचा चोरी होके कहाँ निकला, वो अपने अंदर में वो अगर उसको हम लोग एफ आई आर कर दिए। वो गौरी में था, हम लोग शाम तक रात में 7:30 तक वहीं पे है ना। तो मेरे साहब को भी फोन नहीं उठाए फिर मेरा बाद में, तो उनको हम लोग सवेरे साहब को जानकारी है ना ये बात की? सबको मालूम है, तो उनका मैनेजर है सबको मालूम है। हम आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ चोरी होती कैसे है। फिलहाल तो हम आपको 20 दिसंबर की चोरी के संदर्भ में बताने जा रहे हैं, जो गौरी माइंस के स्टॉक से हुई है, जहाँ के सब एरिया मैनेजर घनश्याम प्रसाद है। लेकिन यही नुस्खा पौनी में भी इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसकी जानकारी बाकायदा यहाँ के सुरक्षा गार्ड सब एरिया मैनेजर से लेकर एरिया के ऊपरी अधिकारी को होती है। 20 दिसंबर को कोयला चोरी के आरोप में पकड़ी गई गाड़ी का नंबर है MH 34 BG 6525, जो नूरानी ट्रांसपोर्ट कंपनी की है। वास्तविक में 6525 नंबर की यह गाड़ी गौरी के कोल स्टॉक में घुसती है, कोल लोड करती है और फिर बिना काटा किए बाहर निकल जाती है, जिसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा गार्ड अमृतलाल बहुरिया ने गाड़ी को रुकाया और तब जाकर यह मामला सामने आया। कई बार डीओ होल्डर इसी का फायदा ज्यादातर उठाते हैं। इस काम में सब एरिया मैनेजर भी इनके साथ मिले होते हैं, जिसके चलते कोई इन पर कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि जो भी कटेगा वो सब में बटेगा। कोयले का डीओ उठाने के लिए डीओ होल्डर ट्रक लगाते हैं, वेकोली के कोल स्टॉक से उन्हें कोयला दिया जाता है। एक टाइम में एक ट्रक ने कितना कोयला उठाया, इसके लिए कोयले का काटा कर उसे एक पर्ची दी जाती है, जो सभी चेक पोस्ट पर बारी बारी से चेक होती है, तब जाकर वो कोयला डीओ होल्डर तक पहुंचता है। लेकिन कई बार
कोयले की काली माया जमाने के लिए यही डीओ धारक अपनी एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी चोरी छिपे बोलने से अच्छा यहाँ के अधिकारी और सुरक्षा गार्ड से साठगांठ कर बिना पर्ची बनाए गाड़ियाँ कोल स्टॉक में भेजते हैं और कोयला भरकर बाहर निकालते हैं। 20 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन 65-25 के नसीब खराब थे। जिस गार्ड से साठगांठ थी उस दिन वो गार्ड वहाँ नहीं था और अन्य गार्ड ने गाड़ी को पकड़ लिया, जिसकी पूरी जानकारी यहाँ के सब एरिया मैनेजर घनश्याम प्रसाद को थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। नूरानी ट्रांसपोर्ट की 65-25 नंबर की गाड़ी पकड़ने के बाद तो मामले को रफा दफा करने का भी प्रयास किया गया, ऐसी जानकारी भी हमारे पास आई है। लेकिन जब हमारे संवाददाता का फोन गया तब जाकर इस घटना की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। जानकारी ये भी आ रही है कि नूरानी ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक और गाड़ी पहले से ही चोरी के मामले में राजूरा पुलिस थाने में धूल खा रही है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि चोरी करने में इन्हें महारत हासिल है। आपको बता दें कि इस घटना में जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक शुमार है वो नूरानी कंपनी का ट्रक है, लेकिन 20 दिसंबर को शिकायत दर्ज होने के तीसरे दिन भी पुलिस अब तक उस कोयला भरे हुए ट्रक को हिरासत में नहीं ले पाई है, जिससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि पुलिस इस मामले में कितनी कुताही बरत रही है। खैर, इस तरह से होने वाली कोयला चोरी की घटनाओं पर अब विजिलेंस विभाग क्या कदम उठाता है, जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चंद्रपुर से रमेश निषाद और नागपुर से प्रणीत तावाड़े के साथ टीम VL24 न्यूज़।